जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिनी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र, भाव दशा और छलिया ठाकुर। अचंभे में डाल देने वाली इस घटना का आकलन और शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति उसी रूप में कितने अंश में हो पाएगी कहना मुश्किल है। पूज्य संतोष बहन जी जब से आकर बैठी थी, एक 12-13 वर्ष का ब्रह्मचारी बालक हाथ में माला झोली लिए उनसे कुछ ही दूर खड़ा था। वह इस उत्सव की इतनी भीड़ में केवल बहन जी की ओर ही देख रहा था। बहन जी भी बार बार उसे देख लेती थी और फिर देवी जी को बुला देने की रट लगा देती थी। कुछ देर बाद बहन जी मुझसे बोली, देख इतनी ठंड में इसने कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं पहना हुआ, इसे ठंड लग रही होगी, मैं अपना स्वेटर इसे दे दूं। इतना कह वे अपना स्वेटर उतारने लगी। मैंने उनका हाथ वहीं थामते हुए कहा, रुकिए मैं जरा पूछ कर आती हूँ। हमें चर्चा करते हुए देख वह ब्रह्मचारी गेट तक पहुँच गया था। मैंने जाकर पूछा, स्वेटर पहनिएगा? उसने हाँ में सिर हिला दिया, झट अपना स्वेटर उतार। मैंने उसे देना चाहा पर वो दृढ़ स्वर में बोला, ये नहीं लूँगा, उनका लूँगा, और अजीब सी मुस्कान से बहन जी को देखता रहा। मुझे पता था बहन जी तो स्वेटर दे ही देंगी, पर किसी से जल्दी लेती नहीं और सर्दी के इन दिनों में उन्हें बहुत ही असुविधा हो जाएगी। रोष भरे स्वर में मैं बोल उठी, उनका तो नहीं मिलेगा, वह तो ठंड में ठिठुर जाएंगी, जाइए यहाँ से। उस बालक ने मुझे देखा और ज़ोर से हंस दिया। एक क्षण में दरवाज़ा खोलकर वह चला गया। उसका देखना, उसकी हंसी बहुत अस्वाभाविक सी थी। पर क्या मैं समझ ही न पाई, इतनी ठंड में हाँ कहकर भी स्वेटर न लेना आश्चर्यचकित कर देने वाला था। उन्हीं का लूँगा कि स्वर झंकृति के ध्यान में आते ही मैं झट गेट तक पहुँची, इधर उधर खोजने लगी पर कहीं भी वो दृष्टिगोचर न हुआ। इतने में पूज्य देवी जी उस पद की समाप्ति होते ही पूज्य संतोष जी के पास बाहर प्रांगण में आ चुकी थी। मनोरमा जी पास ही खड़ी थी। बहन जी ने झट से देवी जी के चरण रज ले ली। आहा, कितना कष्ट देवी जी के चेहरे पर झलक आया, पर इनकी दीनता में भी कहीं अस्वाभाविकता न थी, ललक थी चरण स्पर्श की। इस प्रक्रिया पर दोनों संतों के अलौकिक भावों की झलक देखने को मिली। पूज्य देवी जी ने मनोरमा जी को संकेत किया। उन्होंने संतोष बहन जी के चरण स्पर्श कर देवी जी के मस्तक से अपने कर छुआ दिए। सबको अपनी ओर आकृष्ट हुए देख बहन जी ने थोड़ी ही देर में वापस जाने की जल्दी मचा दी। मैं उन्हें अकेले ही वापस जाते देख चुपचाप जा उनकी रिक्शा में बैठ गई। सहज तो वह कहाँ बैठने देती, पर सभी लोग उन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे और उनके प्रणाम करने के प्रयासों से जूझती सी बहन जी मुझसे जिद भी न कर सकी। रिक्शा चलते ही मुझे बहन जी की असाधारण अवस्था का आभास हो गया। वे बहुत ही असंबंधित बातें कर रही थीं, जगत उनकी स्मृति में था ही नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं, तू मेरा घर कैसे जानती है, तू उधर क्यों जा रही है, आदि आदि। मेरे कहने पर कि मैं तो बोबो जी पूज्य उषा जी के यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने जा रही हूँ, वे अच्छा कह चुप तो हो गई, पर बीच बीच में अटपटा सा कुछ कुछ फिर कह देती। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उनकी वृत्ति शायद अभी उसी ब्रह्मचारी को ही पकड़ रही थी। वे बार बार कह उठती, स्वेटर क्यों नहीं ले आए, ले गए, स्वेटर क्यों नहीं ले गए। तभी उनके मुख से निकला, आंखें सुंदर थी ना, इतने सुनते ही मैं चौंकी और उनकी ओर देखा, कुछ कुछ खटका सा हुआ क्या, और मेरी आंखों से अश्रु स्वतः ही झरझर बहने लगी। रंग रही जीवन निधि पाए ही यथार्थता थी क्या, पूरे रास्ते वे अपने में न थी। ऐसी भावदशा विवलता में मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा था। काश
उस वक्त उनके साथ मुझ ना समझ की जगह कोई ऐसा व्यक्ति होता जो उनकी उस दशा का वास्तविक आकलन कर पाता। ये प्रसंग पूज्य मनोहर दास बाबा ने सुनते ही कहा, निश्चय ही ठाकुर जी ही थे। अस्तु, उत्सव आनंद छोड़ मैं उन्हें घर तक पहुंचाने गई। मेरी इस बात पर रीझ गई या शायद अपनी उसी मस्ती की लटक में उस दिन मुझ पर उनकी अपार कृपा बरसी। एक चित्र जो उन्हें बहुत ही प्रिय था और वो रोज़ उसे प्रीतिवश निहारती रहती थी, एक पुस्तक के अंदर से निकाला उन्होंने श्री वल्लभाचार्य जी और श्याम सुंदर के इस भावप्रद चित्र में ठाकुर की शयन मुद्रा की सौंदर्य छवि बरबस ही मन को आकर्षित करती हैं। झीने वस्त्रों में से झांकते उनके मनोरम श्री अंग आभूषणों की झिलमिलाहट, शैया पर पास ही रखी वंशी पर उर की माला लटक रही है, बाएं मुड़े हुए घुटने के नीचे कोमल गोल तकिया, आहा अनिर्वचनीय छटा है। और पास ही खड़े श्री वल्लभाचार्य जी उनकी ओढ़ी हुई झीनी चादर का छोर पकड़े स्नेह से पगे नैनों से उत्थापन के लिए मनोहार कर रहे हैं। ये चित्र उन्होंने बहुत प्यार से मेरे हाथों पर धर दिया। उनसे प्रदत्त इस कृपा दान को झट से आंचल में समेट मैं उन्हें प्रणाम करती हुई घर लौट आई। उस दिन स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच पाई थी कि ये उनकी मस्ती भरी झलक ठाकुर सान्निध्य से ओतप्रोत चेष्टाएँ उनकी इस धरा से दिव्य लोक को प्रस्थान की सूचक सी हैं। और सच ही उनका महाराष्ट्री को उस दिन का प्रणाम अंतिम प्रणाम ही था। अस्तु, अप्रैल 2004 रामनवमी वाले दिन की बात है। सभी बहनें संतोष बहन जी को राम जी के जन्मोत्सव की बधाई देने पहुंची। वे इस वर्ष ठाकुर जी को प्रणाम करने पूज्या उषा जी के यहाँ नहीं पहुंच पाई थी। बहन जी अकेली ही बैठी राम जन्मोत्सव की तन्मयता में शायद साकेत चिंतन में ही थी। हम सब बहनों की उपस्थिति से वो सजग सी हुई और उनके स्वभावगत दैन्यता युगल प्रिया जी के उनके बहुत ही प्रिय इस पद में प्रकट होने लगी। मेरी गति एक आप दूजो को ओर न, स्त्री को तन मलिन कर्म अधिकार न, चपल बुद्धि बरनी कवि होत ही अज्ञान न, मंद भाग्य मंद कर्म बनत नहीं साधना, विद्या गुणहीन दीन नेक भक्ति भावना, नेम ध्यान धर्म कछु होत न उपासना, गेह फसी ग्रसी रोग एकहू उपाय न, करू कहाँ जाऊँ कहाँ काहू पे बसाए न, इतने पे दोह धरत तात मात साजना, युगल प्रिया तव तुम्हें प्यारे पिए लाजना। अपने बचपन में पढ़ा ये पद उन्हें बहुत ही प्रिय था और अक्सर ही सबको सुनाती थी। सुना सुनाकर शायद ये औरों में दैन्य भाव भरती और अपना विभव सुरक्षित करती थी। उस दिन भी बहुत ही बुलंद आवाज में उन्होंने ये सुनाया। इस 81 वर्ष की आयु में इतनी प्रभावित स्वर में उनके मुख से ये पद सुन एक नव साधिका के मन में इस स्वर को टेप में सुरक्षित कर लेने का भाव आ गया। कौन जाने हम इस स्वर से कब वंचित हो जाएं। इसी सोच में वह दो दिन बाद ही पूज्या संतोष बहन जी के यहाँ साड़ी के आंचल में टेप यंत्र छुपा पहुंच गई। आग्रह करने पर उन्होंने युगल प्रिया जी की जीवनी के साथ वो पद सुनाया। उन्हें साड़ी में छिपे यंत्र का आभास न था, पर अंतिम लाइन गाते गाते उनकी निगाह वहां पड़ ही गई। ये क्या है, प्रश्न को सुन वह सहम गई। आपकी आवाज़ सुनने वह आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही संतोष बहन जी की व्यथित आवाज़ गूंज उठी। ठाकुर की आवाज़ सुनने की इच्छा क्यों नहीं होती, ललक तो उस मदिर स्वर सुनने की होनी चाहिए। यहीं अटक जाओगी इसी आवाज़ में, फिर ठाकुर के स्वर को तरस जाओगी। मिटाओ इसे, अभी मिटाओ मेरे सामने। उनके आदेश का पालन करते हुए उस अनुगता ने उनके सामने ही टेप से वो आवाज़ हटा दी। संतोष बहन जी ने गंभीर होकर उसे कहा,
मुनिया, इस पथ पर तो बहुत ही सावधान रहना, कहीं भी अटकना नहीं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थली का आकर्षण उनसे विमुख न कर सके, इसका सदैव ध्यान रखना। सब आकर्षणों से उबर पाओ, तब कहीं जाकर वो मिलते हैं। आह, उस साधिका को समझा रही, जीवन की अंतिम अवस्था में भी पूज्या बहन जी कितनी सतर्क, कितनी सावधान थी। कोई इन्हें महत्व दे, पूज्य बनाए, सो ये इन्हें स्वीकार ही नहीं था। अपने इस दैन्यता के कड़े सुरक्षा कवच से वे यदा कदा चुपके से कृपा दान भी कर जाती थी। अक्सर वस्तु प्राप्त होने पर हम समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में इनके प्रदाता कौन हैं, यहाँ तक कि प्राप्त वस्तु का सही मूल्यांकन भी नहीं कर पाते। बहन जी के जाने से कुछ ही पहले की बात है, प्रेम बहन इंग्लैंड में मनोचिकित्सक हैं और श्री धाम में उनकी अगाध श्रद्धा है। वर्ष में 3-4 महीने छुट्टी लेकर वे वृंदावन रहती हैं। श्री बिहारी जी के प्रति और उनके प्राकट्य के आधार स्वामी हरिदास जी के प्रति प्रेम जी की अद्वितीय निष्ठा है, पर साधक को इस पथ में शंकाओं और बाधाओं के निवारणार्थ संतों का आश्रय आवश्यक हो जाता है। पूज्या बहन जी तो सबकी गतिमती थी, प्रेम जी भी संतोष बहन जी के अति स्नेह की भागी रहीं तथा उनसे हर प्रकार का समाधान प्राप्त करती रहीं। एक दिन प्रेम बहन अपने मन की लालसा और प्रभु दर्शन की त्वरा लिए पूज्या बहन जी के आगे करुण क्रंदन कर रही थी। संतोष बहन जी सबकी व्यथा को बहुत ही सहानुभूति से सुनती थी। आज प्रेम बहन बहुत ही विवल थी। साधक को अपने प्रयासों पर तो वैसे भी भरोसा नहीं होता, संत कृपा का ही बल होता है। लो, संत संतोष जी का हृदय द्रवित हो गया, प्रेम के अश्रु उनके उर अंतर को भिगो गए। वे भी आकुल व्याकुल हो उठी। बोली, मुनिया आज तुझे एक चीज़ दूँ। वे उठी और बहुत ही मुश्किल से अलमारी तक जा कुछ ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद ही आंचल से एक चित्र को साफ कर माथे से लगा, प्रेम जी के हाथों में धरते हुए बोली, आज से ये तेरे गुरु हुए, ये ही तेरा पथ प्रदर्शन करेंगे। प्रेम जी प्रमुदित से राधा बाबा का वो चित्र निहार रही थी और बहन जी कह रही थी, मैं सच्चे मन से उनसे विनती करती हूँ कि वे तुम्हें अपनाएं, तुम्हें ठाकुर से मिलाएं। मैं सा अधिकार उनसे कहूँगी वे मुझ पर कृपा करने से पहले तुझ पर कृपा करें। निश्चय ही इस बरबस झलकती कृपा वृष्टि को सहेजना प्रेम बहन के लिए इतना सहज न था। फिर रो पड़ी, अश्रुधारा से कपूल ही नहीं आंचल तक भीग गया। पूज्य राधा बाबा का वह चित्र संतोष बहन जी द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य निधि ही था और इस कृपादान की प्रक्रिया का विधिवत दीक्षा से क्या कम महत्व है। महाप्रयाण। एक बार मैंने पूज्या धर्म जी से पूछा था, जब अत्यधिक शारीरिक कष्ट हो तो नाम स्मरण संभव हो पाता है क्या? तब भी वृत्ति ठाकुर में लगी रहना संभव है क्या? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बहुत ही मर्म की बात कही थी। उन्होंने कहा, अत्यधिक कष्ट में साधारणतया नाम कुछ पल को तो छूट ही जाता है। देह की असहनीय पीड़ा वृत्ति को ठाकुर से हटा लेने में सक्षम हो ही जाती है। करोड़ों में कोई एक विरला होता है जो देहातीत है, केवल और केवल ठाकुर जी में ही जिसका अटकन है। इसलिए सतत नाम जप के अभ्यास से और केवल ठाकुर पर निर्भरता की बात कही जाती है। पूज्या संतोष बहन जी इसी कोटि की थी। 24 जून 2004 की भोर कुछ अनहोनी का संदेशा देती हुई उदय हुई। पूज्या संतोष बहन जी शारीरिक असमर्थता की वजह से स्नान घर में गिर पड़ी। बाद में एहसास हुआ कि पक्षाघात हो जाने की वजह से वे अपने को संभाल न पाई थी। क्या ही आश्चर्य कि पूरा दिन इन्होंने किसी को बताया तक नहीं। प्रतिदिन की तरह जब सुलोचना बाई 3:30 बजे उन्हें प्रणाम करने गई तो उन्हें पता चला। वह बहुत ही दुखी हुई कि कितनी देर हो गई, उपचार शुरू नहीं हो पाया। पर पूज्या बहन जी तो अपनी नित्य की स्वाभाविक स्थिति में ही थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं। रोज की तरह सुलोचना बाई को पकड़कर कुछ कुछ सुनाने के लिए पुस्तक उठाने का प्रयास करने लगी। उन्होंने कहा, बहन जी आज रहने दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, सुन। सुलोचना बाई का मन भराया, हताश हो बोली, अच्छा मैं किताब पकड़ लेती हूँ, आप पढ़ो।
पर बहन जी नहीं मानी, किताब को घुटनों पर टिका बाएं हाथ का सहारा दे वे पढ़ने लगी। अब तो सुलोचना बाई से रहा न गया, उनकी स्थिति से वे द्रवित वो रोती रोती अपने घर चली गई। रास्ते में ही रिक्शा में आती शैवालिनी को उन्होंने पूरा समाचार दे दिया और लोगों को भी उनकी गंभीर अस्वस्थता का पता चला। उनके दाईं ओर के अंग प्रभावित हो गए थे, डॉक्टर को दिखा, उचित उपचार शुरू कर दिया गया। अगले दिन सुबह पूज्य मनोहर दास बाबा इन्हें देखने पहुंच गए। पूज्या देवी जी व मनोरमा जी भी साथ थी। बाबा तो संतोष बहन जी के तख्त पर ही एक और बैठ गए। देवी जी तख्त के पास ही बहन जी के एकदम समीप उनके घुटने पर टेक लगाए झुकी हुई खड़ी थी। पूज्या देवी जी को मैंने सदा ही गंभीर गरिमामय स्थिति में देखा है और उस दिन तो उनकी दृष्टि से पूज्या संतोष बहन जी के लिए अगाध स्नेह के लिए श्रद्धा सिंधु ही छलक रहा था। दोनों मौन एक दूसरे को देख रही थीं। मैं बहन जी की पीठ को सहारा दिए बैठी थी, सो उनके चेहरे के भाव तो नहीं देख पाई, पर देवी जी के चेहरे पर झलके वो कोमल भाव, उनके हृदय का द्रवण रोम रोम से प्रकट हो रहा था। ये मौन संभाषण पिछले 50 वर्षों के संबंध की अभिव्यक्ति को कुछ पलों में ही उजागर कर गया। थोड़ी देर बाद ही पूज्या सुशीला बहन जी भी आ गईं। पूज्या उषा जी के परिकर की सभी बहनें बारी बारी से आ जा रही थीं। अलौकिक गोपियों की संगोष्ठी का सा दिव्य वातावरण बन गया था। संध्या को सबकी सहमति से सहवालिनी विशेषर भाई और भगवान दास पूज्या बहन जी को मथुरा डॉक्टर गर्ग को दिखाने ले गए। सभी जाँच की गई, स्कैनिंग भी की गई। पूज्या संतोष बहन जी के दिमाग की परतों में पानी भर गया था और उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक था, पर बहन जी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार न थी। अंततः उन्हें घर वापस ले आए और अगले दिन पूज्य बाबा की देखरेख में डॉक्टर चंद्रेश ने घर पर ही सब यथासंभव उपचार शुरू कर दिए। सूरज घाट परिक्रमा पर रह रही संन्यासिनी डॉक्टर उर्मिला जी भी पूज्या बहन जी की श्रद्धालु होने से सहयोग देने आ पहुंची थी। स्थिति कभी संतोषजनक हो जाती और कभी चिंताजनक हो जाती। 26 जून की प्रातः वहां पहुंचने पर पता चला कि करुणा और प्रकाश जी रात भर पूज्या बहन जी की सेवा में थी। प्रकाश जी ने सुबह भोर के साथ बहन जी की ठाकुर सेवा का मार्मिक विवरण सुनाया, सुनकर सभी का मन भर आया। नित्य प्रति की तरह बहन जी रात्रि के अंतिम प्रहर में ही 2:30 बजे सजग हो गई और घसीटते घसीटते ठाकुर जी के समक्ष पहुंच गई। प्रकाश जी ने ठाकुर जी की चौकी साफ की, करुणा की सहायता से पीछे का पर्दा बदला, पर चित्रपटों की सेवा बहन जी ने निज हाथों से की। इतनी असमर्थता में भी मन ठाकुर सेवा को लालायित, कितनी उच्च स्थिति की झलक थी। बाएं घुटने पर चित्रपट रख बाएं हाथ में रुमाल ले बहन जी बहुत ही प्रीतिपूर्वक उन्हें साफ कर प्रकाश को पकड़ाने लगी और प्रकाश जी उन्हें चौकी पर विराजित करती जाती। एक बार प्रकाश जी ने चित्रपट जहाँ से उठाया था वहाँ न रख गलती से कहीं और रख दिया। बहन जी इतनी सजग थी कि उसी वक्त उन्हें टोकती हुई बोली, इनकी जगह यहाँ नहीं उधर है, उनके स्थान पर ही पधराओ। सेवा में इन सूक्ष्म बातों का महत्व संतजन ही जानते हैं और जनाते हैं। अस्तु इस समय शैवालिनी भी सेवा में थी, इसलिए मैं माला झोली लिए चटाई पर बैठ नाम जप में लग गई। पूज्या बहन जी की दृष्टि जैसे ही मेरी माला झोली पर गई बहुत ही नाराज हो गई। उग्र स्वर में बोली, ये तो नाम अपराध कर रही हो तुम, छोड़ो माला, जाओ जाओ अपने घर। ठाकुर प्रीति को छोड़ किसी भी निमित्त लिया हुआ नाम एक अपराध है। तुम मेरे लिए ठाकुर से विनय कर रही हो ना। मैं स्तब्ध से उन्हें देखती रह गई। उस गंभीर परिस्थिति में भी इतनी जागरूकता, साधक के आदर्श तो वे थी ही, अतुलनीय समर्पण की प्रतिमूर्ति भी थी। उनके स्वास्थ्य के लिए कोई ठाकुर से कहे ये उन्हें सहन नहीं था। वैसे ये भी सच है कि मैं तो अपना नित्य नियम ही पूरा कर रही थी। ठाकुर से उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए ये मैं सोच ही न पाई थी। पूज्या बहन जी ठाकुर जी की इतनी अपनी थी, मैं ठाकुर जी को उनकी स्थिति क्या जताती, पर उनकी सतर्कता मुग्ध हो गई मैं। हम सभी के हर क्रियाकलाप पर उनकी निगाह, ये सोच हर्षित और निश्चिंत भी,
मैंने माला झोली छुपा ली। वैसे भी इन पुण्यात्माओं के समक्ष माला से नाम स्मरण का औचित्य ही क्या है, इनकी उपस्थिति से तो स्वतः ही नाम जप होने लगता है। अस्तु दशमी की रात भी प्रकाश जी सेवा में थी। उस दिन उत्थापन सेवा के समय पूज्य बहन जी के हाथ से शालिग्राम जी छूट गए, शायद अत्यधिक कमजोरी की वजह हो, पर देखने में लगा मानो उन्होंने ही शालिग्राम जी को ढुरका दिया है। इस घटना से प्रकाश जी सहम सी गई। उस समय सभी को पूज्य बहन जी के जाने का अंदेशा सा हो गया। एकादशी की सुबह उनकी अलौकिक दशा देखने में आई। बहन जी की कमर को सहारा दिए मैं उनके पीछे बैठी थी। एक बहन उन्हें जूस पिला रही थी। उनका चेहरा उस वक्त असाधारण आभामय विचित्र मस्ती लिए था, लगा वे भावावेश में हैं। पूज्या बहन जी बरामदे के उस पार मंदिर के दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रही थी। चेहरे का आह्लाद देखते ही बनता था, शायद नहीं, निश्चय ही वहाँ उन्हें ठाकुर जी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहे थे। एकाएक हाथ को झटका मटका कर कुछ कुछ झूमती सी वो गा उठी, सखी हूँ श्याम रंग रंगी। कुछ दिन पहले पूज्य राधा बाबा की अनुभूतियों की लीला परक अभिव्यक्ति लिए छप रही किताब सखी हो श्याम रंग रंगी का मुख पृष्ठ शैवालिनी ने उन्हें दिखाया था। संभवतः इस वक्त उनका मन वहीं अटका था। उस स्मृति में डूबी फिर गा उठी, सखी हो श्याम रंग रंगी। उस वक्त उनकी मस्ती रोम रोम में छलकता आह्लाद, मैं चौंकी। अपनी जिस स्थिति को सप्रयास दीनता के आवरण में सदा ही इन्होंने छुपाए रखा, कैसे स्वीकारोक्ति सा अभिव्यक्त हो रहा था, अब अपने को छुपाने का प्रयास विफल हो रहा था। वे आगे गाती गाती कह उठी, देख बिकाई गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। मैंने थोड़ा झुककर अपना मुख उनके सन्मुख करते हुए कहा, मुझे भी वो सूरत दिखा दो ना। अंतर में पूज्य राधा बाबा के वचन गूंज रहे थे कि अंतिम समय उन्हें लेने श्री कृष्ण अवश्य पधारेंगे। मुझे ये आभास हो रहा था कि वो अंतिम बेला अब दूर नहीं है। पूज्या बहन जी ने बड़ी कोमलता से मेरा चेहरा पीछे कर दिया, शायद मेरा चेहरा उनके और ठाकुर के बीच आ गया था। पर ऐसा करने के वक्त उनका वह स्पर्श, वो चितवन, शब्दों में उन भावों को व्यक्त नहीं किया जा सकता, न उस स्पर्श को ही कुछ नाम दिया जा सकता। पूरा पद गा वह मुझे देखने लगी। मैं मंत्रमुग्ध से उन्हें देख रही थी। किसी की उपस्थिति का मुझे कुछ भी आभास न रहा। मेरा हाथ थामे वे एकटक मुझे देखने लगी। अंतर मन को भेदती सी वो दो आँखें, मेरे मन की ग्रंथियों को पिघलाती सी वो अवलोकन, मेरे नैनों से अश्रु बह रहे थे और लो, मैं धीरे धीरे सुबक रही थी। ये भावनाएं क्या थीं शब्दों में कहा नहीं जा सकता। ये अश्रु विदाई के अश्रु नहीं थे, अंतर मन का द्रवित सा आह्लाद था। कुछ था जो वो मेरे अंदर उड़ेल रही थी, निर्निमेश अपलक एक अटूट धारावत। सारा वातावरण मुझे नीरव सा लग रहा था। तभी कोई अचानक चिल्ला उठा, आप इस तरह रो क्यों रही हो, मानो ये जा रही हैं, ये ठीक हो जाएंगी, आप कृपया रोइए ना। बहुत मुश्किल से मैंने अपने को संभाला, उनकी मजबूत पकड़ से अपना हाथ छुटाया और थोड़ी दूर जाकर बैठ गई, उनके पीछे तकिया लगा दिए। तभी पूज्य मनोहर दास बाबा विद्याधर जी को साथ लिए आ गए। बाबा के तख्त पर बैठते ही बहन जी झट से पीछे रखा तकिया बाएं हाथ से हटाने का प्रयास करने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये क्या कर रही हैं आप, लगा रहने दीजिए ना। उस अप्राकृत सी अवस्था में भी वो सजग थी, वैष्णवोचित परिपाटी की शिक्षा देती सी बोल पड़ी, बड़ों के सामने संतों के सामने तकियों के सहारे बैठना उचित है क्या, शोभा नहीं देता। बाबा ने भी विरोध किया पर वो न मानी। मैं फिर उनकी पीठ को सहारा दे उनके पीछे ही बैठ गई। तभी साधु भक्ति विजय भी उन्हें देखने पहुंच गए और सामने भूमि पर ही बैठ गए। बाबा ने बहन जी का दायां हाथ थामा हुआ था जो निष्क्रिय होता जा रहा था। पूज्या बहन जी ने बाबा से पूछा, ये सब जाने के ही लक्षण है ना। बाबा ने हाँ कह सिर हिलाते हुए कहा, लगता तो यही है, क्यों तैयार हो ना।
उसकी प्रतिक्रिया तो मैं बहन जी के चेहरे पर देख नहीं पाई, पर पुलकित देह का स्पर्श अवश्य हुआ। मस्ती में वो कह उठी, मरने से सब जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। तभी अमी चंद जी के ठाकुर जी की आरती और चरणामृत लेकर पुष्पा आ गई। पुष्पा एक लंबी अवधि से पूज्य संतोष बहन जी के यहाँ काम कर रही थी। अभी तक वो नाम मात्र की सेविका थी, क्योंकि बहन जी जो काम खुद बिल्कुल ही नहीं कर पाती थी, केवल वो ही इससे करवाती थी। बर्तनों के लिए गर्म पानी करके देती, इतना ही नहीं इसे खुद चाय बनाकर पिलाती, इसकी घर गृहस्थी की सुविधाओं का भी यथासंभव प्रयास करती। स्वभाव से ही दीनों के प्रति इनकी ममता उमड़ पड़ती थी, सो पुष्पा पर भी इनकी अतिशय प्यार भरी दृष्टि पड़ी थी। अब इनकी असमर्थ अवस्था में पुष्पा ने भी भरपूर सेवा की। उनकी सब प्रकार की ही सेवा ये निसंकोच बहुत ही श्रद्धा से कर रही थी। पुष्पा के पति ने भी पूर्ण सहयोग देते हुए रात्रि को भी उसके वहाँ रहने पर अपनी सहमति दे दी थी। अस्तु, उसके आरती और चरणामृत लाने पर जैसे ही चरणामृत के लिए मैंने उनका हाथ आगे बढ़ाना चाहा, तो अपनी उसी बुलंद आवाज में बोली, संत सामने बैठे हैं, पहले उन्हें देना चाहिए। पूज्य बाबा को चरणामृत दिला, विद्याधर जी को दिलाया, साधु भक्ति विजय को दिलाया, तब कहीं जाकर स्वयं लिया। आहा, वैष्णवोचित सादर सदाचार की जीवंत प्रतिमा। वस्तुतः उनके संग व्यतीत किया हर एक क्षण उपदेशात्मक है और सभी साधकों के लिए अनुकरणीय है। जय श्री राधे। अंतिम संदेश हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिनी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र, भाव दशा और छलिया ठाकुर, अचंभे में डाल देने